समय फर्जी हैंडल सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं अलग अलग तरीके से। फर्जी सोशल मीडिया हैंडल पर आप भरोसा बिल्कुल भी ना करें, ये पहले पुख्ता कर लें कि जो हैंडल है वो सही है भी या नहीं। फर्जी हैंडल रिजल्ट से जुड़े हुए फेक नोटिस अभी जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं रिजल्ट आप यहां देख सकते हैं 20 मई के बाद CBSE रिजल्ट जारी करने वाला है, लेकिन अभी से जो फर्जी सोशल मीडिया हैंडल है वो अलग अलग तरीके से एक्टिव हो गए हैं और रिजल्ट देखने के लिए अपने अपने हैंडल पर भरोसा करने की बात कर रहे हैं। तो 10वीं और 12वीं के जो CBSE स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बड़े काम की खबर है, उन्हें इंतजार अपने रिजल्ट का जरूर है, लेकिन फर्जी सोशल मीडिया हैंडल पर भरोसा ना करें। पहले ये इंश्योर कर लें कि जिस हैंडल पर वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या फिर उस पर क्लिक कर रहे हैं कहीं भी किसी तरीके का फ्रॉड तो नहीं है। अलग अलग तरीके से फ्रॉड होता रहा है, अलग अलग तरह के मैसेजेस आपके फोन में आते रहते हैं जिसमें अलग अलग वक्त पर लोग इस तरह से फ्रॉड का शिकार भी हुए हैं। हमारा काम है आपको आगाह करना, आपको बताना कैसे किसी भी फेक आईडी पर फेक हैंडल पर आप भरोसा ना करें। पहले ये पुख्ता तौर पर जान लें कि क्या है सही सोशल मीडिया हैंडल जहां आपको रिजल्ट दिख सकता है। फर्जी सोशल मीडिया हैंडल पर भरोसा आपको नहीं करना है वरना आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। हो सकता है आपके फोन में जिससे आप उस पर क्लिक करें आपके अकाउंट पर उनकी नजर हो या फिर आपका अकाउंट खाली हो जाए, ऐसे कई मामले इससे पहले सामने आ चुके हैं। CBI रिजल्ट जारी होने वाला है, उससे पहले ही आपके लिए हम काम की खबर बता रहे हैं। 20 मई के बाद CBSE की तरफ से रिजल्ट जारी किया जाएगा और ऐसे में 10वीं और 12वीं के बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं अपने अपने रिजल्ट्स का, ऐसा मत कीजिएगा कि जल्दबाजी में आप सोचें कि 20 मई के बाद नहीं बल्कि अभी रिजल्ट जारी हो गया है और आप ऐसे फेक सोशल मीडिया हैंडल्स पर क्लिक करें। उनकी दी हुई जानकारी पाने के लिए आप क्लिक करेंगे तो आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है, आपके अकाउंट से बैलेंस गायब हो सकता है, आपका फोन हैक हो सकता है और तरह तरह के फ्रॉड जो आजकल चल रहे हैं उनसे आप परेशान हो सकते हैं। ऐसे में ये जो अनचाहा फ्रॉड है, अनचाही चीजें हैं जो आप नहीं चाहते आपके साथ हो या आपके फोन के साथ हो, आपके अकाउंट के साथ हो, तो ऐसे फर्जी सोशल मीडिया हैंडल पर आप क्लिक नहीं करें, उन पर नहीं जाएं, भरोसा बिल्कुल ना करें। दिल्ली से अक्षत गुप्ता आपको इसी खबर पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा लगभग इस बार 39 लाख बच्चों ने दी थी और जैसा कि हम जानते हैं हर साल बच्चे बेसब्री से रिजल्ट्स की वेट करते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो है हम CBSE के ऑफिस के बाहर खड़े हैं और जैसे जैसे रिजल्ट्स की डेट आसपास आती है तो कहीं ना कहीं उस टाइम पर सोशल मीडिया पे फेक नोटिसेस या फिर फेक सर्कुलर जो है वो सर्कुलेट होने लगते हैं ये कहकर कि रिजल्ट इस दिन अनाउंस होगा या फिर रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिसको कि अब एक्स कहा जाने लगा है, उन पर जो है फेक नोटिसेस सर्कुलेट होने लगे कि रिजल्ट जो है 1 मई को डिक्लेयर होने वाला है। हालांकि CBSE ने उसको कम्प्लीटली जो है फॉल्स बताया है, उसको बोगस बताया है और CBSE ने साथ ही साथ ये बोला है कि ये जो नोटिस सर्कुलेट हो रहा है ये फेक है, इस पर ना बिलीव करें और ऑफिशियल डेट जो है रिजल्ट डिक्लेयर करने की वो अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे। अब आपको हम ये नोटिस दिखाना चाहेंगे जिससे कि आप भी जो है मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार ना बने और कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होने से बचा सके। आप देख सकते हैं हमने ट्विटर खोला हुआ है, एक्स खोला हुआ है और ये CBSE का ऑफिशियल अकाउंट है जिस पर उन्होंने साफ तौर पर इस नोटिस को फेक बता दिया है और लगातार वो लोग यही कह रहे हैं कि जब तक, क्योंकि देखिए कुछ तरीके होते हैं जिससे कि हम अपने आप को सफेद कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि नोटिस फेक है या नहीं है या फिर रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाला है। तो पहला तरीका ये है कि जब तक CBSE की वेबसाइट पर cbse.nic.in पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप लोग कहीं किसी भी सर्कुलर पर या किसी भी र्यूमर पर बिलीव ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल्स पर आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे नोटिसेस जो है सर्कुलेट किए जाते हैं तो उन पर आप लोग बिलीव ना करें जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है। और दूसरा, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इस नोटिस के अंदर, तो आप देख सकते हैं इस नोटिस में जो डेट है वो डेट दी हुई है 28 अप्रैल की और नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो सिग्नेचर जो किया हुआ है वो फरवरी महीने का किया हुआ है। तो ये साफ तौर पर बताता है कि ये नोटिस जो है फेक है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है जो CBSE के PRO है रमा शर्मा की इस पर जो सिग्नेचर है वो भी जो है
फोर्स तरीके से किए गए हैं, यानी नकली तरीके से किए गए हैं और ये नोटिस बिल्कुल भी असली नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, आप अगर CBSE की वेबसाइट पर जाते हैं यानी कि CBSE.NIC.IN पर, तो इधर आप देख सकते हैं, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर रिजल्ट्स का ऑप्शन बना हुआ आ रहा है। अब रिजल्ट्स के ऑप्शन पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर CBSE ने लेटेस्ट न्यूज में जारी कर रखा है कि CBSE के बोर्ड रिजल्ट जो है 20 मई को डिक्लेयर हो सकते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर ये अपनी वेबसाइट पर बिल लिख के बता दिया है कि कब जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो सकते हैं। तो इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन से बचें, ना ही उसको स्प्रेड करें, क्योंकि ऐसे रूमर्स जो है आमतौर पर फैलते हैं, और अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन CBSE की साइट पर आता है तो सिर्फ आप लोग उसी पर बिलीव करें। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन अनीश के साथ अक्षय गुप्ता। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर अयोध्या से है और अयोध्यावासी आज बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, क्योंकि पीएम मोदी आज अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं। अयोध्या जहां पर